वॉट में। हिंदी में हम बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। इसे सेंटेंस में यूज करना भी बहुत इजी है, जैसे मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल स्टैंड बाई यू कम वॉट में। नेक्स्ट, हिंदी में हम बोलते हैं कहना आसान है करना नहीं। इंग्लिश में हम बोलते हैं इट इज ईजियर सेड देन डन। इसका मतलब हुआ करने से कहना आसान है। नेक्स्ट, किसी का रास्ता काटना, जैसे बिल्ली रास्ता काटती है। रास्ता काटना इंग्लिश में होता है क्रॉस द पाथ। एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, काट गई। इंग्लिश होती है इसकी अ ब्लैक कैट क्रॉस माय पाथ। नेक्स्ट, मुंह से काटना, किसी जानवर या कीड़े का काटना, कुत्ता काट गया, मच्छर ने काट लिया, ये वाला काटना इंग्लिश में होता है बाइट। जैसे जब हम छत पर सोते हैं रात को मच्छर काटते हैं। When we sleep on the terrace, the mosquitoes bite us. Next, चाय के निशान, tea stains. जूस के धब्बे, juice stains. इंक के दाग, ink stains. उल्टी के, चलिए, किसी चीज के निशान, दाग या धब्बों की इंग्लिश में होता है stains. Thank you.